नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है आशीष शेलार जी की। जी हाँ, आज आशीष शेलार जी का जन्मदिन है। उनको पहले शुभेच्छा देते हैं अनिल जी तरफ से और हमारी तरफ से, मुद्दा भारत तरफ से। शेलार जी को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और हमारे सहयोगी थत्ते जी से कहेंगे कि उनके बारे में जो लोग जानते नहीं कुछ बातें, वो हमारे साथ शेयर करें। और मुंबई के जो BMC चुनाव की जवाबदारी दी गई है, वो किस तरह निभाएंगे। थत्ते जी, पहली बात, आपने तो मुबारकबाद दी है आशीष जी को, मैं भी देता हूँ। अभी आपका एक कार्यक्रम हमारा शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले मैंने आशीष जी से बात की, उनको बधाई दी, शुभेच्छा दी और उनको बोला कि बाकी लोग बहुत सारा माहौल बनाते हैं। मतलब आज मैंने किसी भी पेपर में या टीवी पे आपका बर्थडे का विज्ञापन देखा नहीं, तो ये क्या बात हुई। तो बोले कि नहीं, मेरी कार्य पद्धति जो है उसमें ये जहरातबाजी, अपने ढोल बढ़ाना, ये करना वगैरह, वो बजाना, वो तमाशा करना नहीं है, तमाशा करना नहीं है। मैं, मेरे दोस्त जो हैं उनको मालूम है मेरा बर्थडे है, वो ये कर रहे हैं, मेरे को विश कर रहे हैं और वही मेरी ये है, पुण्य ही है। तो बोले आपने विश किया, आपने जहरात देख के किया क्या? जहरात तो है नहीं, फिर भी किया। कैसे किया? क्योंकि आपको मालूम है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैं बोला अभी BMC का चुनाव जो आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि एक ये मौका है और आप इवेंट मैनेजमेंट में नंबर वन है मुंबई में आज की तारीख में, कि आप इवेंट कर देते किसी भी चीज़ का। कितने इवेंट उन्होंने किए हैं उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, कि छोटे छोटे मुद्दे पर भी वो एक इवेंट बना लेते हैं। तो बोले कि अगर मैं आज इवेंट करता, ये आशीष शेलार जी मुझे बता रहे थे, अगर मैं इवेंट करता तो वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होता, कि आशीष शेलार का बर्थडे ये कोई BMC चुनाव का एजेंडा नहीं, ये बड़ी बात बोली उन्होंने। मतलब उनका विनयशील और एक सभ्य और सुसंस्कृत और मर्यादाशील स्वभाव, कि मैं एक सच्चा सैनिक हूँ, मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, मैं BJP से बड़ा नहीं हूँ और लार्जर देन लाइफ ऐसा मेरा कोई ये नहीं है, ये जो कहना है वो उन्होंने मार्मिक शब्दों में मुझे बता दिया कि आज मैं अगर ये करता और मुझे शुभेच्छा देने वाले तो हजारों लोग हैं, सब देते थे। तो उसमें वो लिखते थे कि BMC के आगे के चुनाव के लिए आपको ये शुभेच्छा वगैरह वगैरह। तो बोले मेरे नाम से BMC चुनाव जोड़ना इस तरह से, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। BMC BJP जीतने वाली है, आशीष शेलार मायने नहीं रखता। ये कौन बोल रहे हैं? खुद आशीष शेलार बोल रहे हैं। मैं एक उनका कार्यकर्ता BJP का हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको चुनाव में जीतना है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। वही मेरा लोगों के प्रति शुभेच्छा का प्रतिसाद होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये बहुत कम नेता इस तरह से सोचते हैं, तो आपको बड़ी बधाई इसके लिए। और दूसरा बात ये है कि आशीष जी के बारे में मैं 3-4 बातें उनके आज के जन्मदिन के समय पर बोलना चाहूँगा, कि जो थोड़ी सी अलग है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। सर, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 30-40% मुस्लिम लोग, ये बड़ी बात है। और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पहले वहाँ का MLA हुआ करते थे। सर, उन्होंने मुस्लिम इतना डोमिनेंट मतदार संघ से चुनाव जीता, इसका मतलब उन्होंने उनका दिल भी जीता। बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट भी उनको ही आया और वो उसका सर्वे हुआ था, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने आशीष जी को एक्सेप्ट किया। एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि मुंबई में अभी सबसे पावरफुल, जिसका सभी पक्षीय नेताओं से पर्सनल संबंध है, उद्योगपतियों से हैं, संपादकों से, उनका गुडविल जो है वो आज मुंबई के किसी नेता के पास नहीं है। महाराष्ट्र में फडणवीस जी के पास है, और फडणवीस के बाद अगर किसी के बारे में मीडिया में गुडविल है, उद्योगपति में है, पार्टी में भी है, आपको आशीष के खिलाफ बोलने वाला कोई मिलेगा, क्योंकि सबको संभाल के चलते हैं वो, बड़ी बात है उनकी, वो स्वभाव है उनका। तीसरी एक बात और, मैं मालूम नहीं कितना मैं गिर नहीं रहा हूँ, इसलिए और एक बात ये है कि अमित शाह जी से उनके बहुत मधुर संबंध है। बहुत थोड़े लोगों को शायद ये मालूम होगा कि महाराष्ट्र में अमित शाह जी के संबंध जिन लोगों से है, उनमें नंबर 1-2 नहीं लगाऊंगा, मगर चंद्रकांत दादा के भी है बहुत अच्छे संबंध है, और आशीष के भी मैं कहूँगा उतने ही अच्छे संबंध हैं। बहुत बड़ा विश्वास उनका, अमित जी का, इनके ऊपर है। और मुंबई महापालिका के समय उनको अध्यक्ष बनाना, ये अमित शाह जी की ही सोच थी।
तो एक बड़ा बात हो गया। और एक बड़ी बात है कि वो मराठी मानुस जो है उसके तो प्रिय नेता है ही, और गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय समाज में भी उनकी बड़ी साख है, उनके चाहने वाले बहुत हैं। गुजरात चुनाव में काफ़ी अहम रोल होता है उनका। हाँ, और मुंबई में भी वो ऐसा है कि गुजराती आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये मराठी है, जबकि मराठी लोग सोचेंगे कि ये मराठी है, और उनके लिए भाजपा ही है। ये ऐसा एक नेता है कि जो सभी धर्म, सभी पक्ष, सभी जाति धर्म इनके साथ लेके चलता है। तो अमित शाह जी के उनके निकट होने का जैसे वैसे समाज के ये रोल में है। और अभी लास्ट और बेस्ट बात मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से नहीं, मेरे जानकारी से मैं बोलूँगा। क्या होता है, लोग बोलते हैं तुम्हारा अंदाज और जानकारी तो तुम ऐसी तरह से मिक्स कर देते तो हम संभ्रम में पड़ जाते हैं, तुम जानकारी बता रहे हो या अंदाज बता रहे हो। तो मेरी जानकारी ही मैं बताऊँगा कि अभी 2.5 साल तक शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद किसी भी हालत में बीजेपी के फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी 2.5 साल के लिए बनेंगे। हाँ, ये 2.5 साल, वो 2.5 साल, उसके बाद बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो होंगे आशीष शेलार। बहुत बड़ी बात आपने गोपी स्पोर्ट की कि आशीष शेलार जी भी मुख्यमंत्री के रेस में। महाराष्ट्र में सर ये परंपरा है, महाराष्ट्र में कुछ लोगों की ओर इस तरह से देखा जाता है कि ये आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री बनेगा। देखो विलासराव देशमुख के बारे, शरद पवार के बारे में, मैं तो शुरू में उनके साथ था ना, तब से वो लोग बोलते थे एक ना दिन ये मुख्यमंत्री बनेंगे। सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, ये जो मुख्यमंत्री बने उनके बारे में लोगों ने सोच के रखा था। वैसे ही फडणवीस के बारे में ये सोच रखा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे जी का थोड़ा सा डावाडोल था कि उद्धव बनने देंगे नहीं देंगे ऐसा, मगर अभी वो भी बन चुके हैं। तो आशीष शेलार का मुख्यमंत्री बनना तय है, वो अभी मेरे अंदाज से, हिसाब से और मालूमात से 2.5 साल का ये हो जाएगा। 2.5 साल के बाद फडणवीस केंद्र में जाएंगे, पहले 2.5 साल तो ये है, 2 साल है अभी। हाँ, तो बाद में, और बाद में आशीष शेलार के नेतृत्व में 2029 का जो चुनाव है वो बीजेपी लड़ेगी। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम आशीष शेलार जी को फिर से एक बार जन्मदिन की बधाई देते हैं, और उनके बारे में जो तत्ते जी ने कहा है वो उनकी इच्छाएं पूरी हो, और लोग भी उनसे जो है लोगों की इच्छाएं पूरी हो और उनको जो है बड़ी बड़ी शुभकामनाएं मिले। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।